सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वो रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वो पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वो चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को तो सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आजा, आ, 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 आजा। लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे
और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वो इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वो दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वो खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वो कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई। ए लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। हाँ। लेकिन बिशन नहीं रुका, वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। उधर चलो। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। अच्छा, मैं तुझे देख लूंगा। तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचे उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वो अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पांव की आहट सुनाई दी। चलो। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था।
उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वो बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थीं और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। उधर देख, कौन करते हैं? अचानक कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वो शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वो अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वो चिमनी के पीछे छिप कर बैठ गया ताकि वो किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वो स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। और उनको देखकर कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वो न माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े हो वो उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं। हाँ, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, जी हाँ। हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। हाँ, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। हाँ। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा।
सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। हाँ, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब। हाँ साहब, वो इधर ही कहीं छुप गया है जी। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तीतर, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था हा? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी। बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वो उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। जी। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। ये लीजिए। ला, दे मुझे। ये देखिए, ये देखिए। हाँ हाँ, यहाँ काफी खून है। हो गया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन जी, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जी। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। बिशन की दिलेरी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, आलेख प्रतिभा नाथ, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, नीरज यादव, शांति एस कालरा, प्रवीण शर्मा और श्रेयस,
ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।